हेलो दोस्तों, सबको जय श्री राम, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप सभी के बीच हूँ। मैं राजेश उपाध्याय, आप सभी का मित्र। तो ये वीडियो है आज का, आपको स्वस्थ मस्त आवाज बनाने के लिए। बने रहिए इस वीडियो के अंदर और देखते रहिए। यार टॉपिक जो है वो मैंने बोला ही नहीं, और बोल देता हूँ टॉपिक क्या है। यार ये वीडियो है मर्दों के लिए, जो मर्द शादीशुदा है उनके लिए। समझ में आई? जिनकी शादियाँ हो गई है उनके ऊपर, विशेषकर उनके ऊपर। तो मेन मुद्दा आता है मर्दों की टेंशन को दूर करना। अब समस्या क्या है आप सब बताइए, समस्या क्या? समस्या यह है कि जब आदमी अपनी टेंशन को दूर करने के लिए इधर उधर इधर उधर जब झांकता रहता है, तो झांकता कहाँ है? घर के भीतर या घर के बाहर? मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो घर के बाहर ही झांकता रहता है। कहीं कोई ऐसी स्थिति, जगह, कोई व्यक्ति मिल जाए जिससे मैं अपने मन का बोझ बोल करके, कह करके उसको थोड़ा बहुत कम कर सकूं और प्रसन्न रहने की कोशिश कर सकूं, थोड़ा प्रसन्न रहूं। कहने का मतलब यह है यार, टेंशन कम कैसे करें यार। तो जो मर्द लोग बाहर घूमते रहते हैं अपनी अपनी टेंशनों को दूर करने के लिए, यार ये विशेषकर उनके लिए है। अब पहचानो यार, क्या बाहर जाने से टेंशन कम हो गई? कोई ऐसा मिल गया? कोई ऐसा है जो आपकी टेंशन को दूर कर सके? है तो बताइए, है कोई बाहर ऐसा? है कोई ऐसा मित्र, है कोई ऐसा रिश्ता, है कोई ऐसा नाता जो आपके समस्याओं का समाधान कर सके? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई है। आपको लगता है तो बताइए, बताइए कमेंट के जरिए से, बताइए क्या ऐसा है। अब जो मुझे लगता है मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ज्यादा लूंगा आप परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये मेरी एडवाइस है, पर्सनली एडवाइस है, इसको फॉलो करके देखना, प्रैक्टिकली लाइफ में देखना, ना का कोई किसी उसमें है, ये मेरा है, व्यक्तिगत है। अगर किसी को अच्छा नहीं लगे तो मैं भी चाहूंगा, बट अगर ऐसा करके जो मैं कह रहा हूं उसको अगर करके फॉलो करके आप अपने जीवन को स्वस्थ मस्त आबाद कर सकते हैं, तो उस चीज को जरूर फॉलो करिएगा। तो मैं कह रहा हूं यार दोस्तों, जो भी मर्द ये बाहर जो जाते हैं ना, बाहर जो खुशियां ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, बाहर जो टेंशन को खत्म करके शांति पाने की जो कोशिश करते रहते ना, मत जाइए, मत जाइए। क्योंकि बाहर बाहर कुछ है ही नहीं, सब कुछ आपके अंदर है। अंदर 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 का मतलब घर, और घर का मतलब यानी आप शादीशुदा हैं, घर का मतलब हुआ आप समझ गए हैं बिल्कुल, आपकी पत्नी यानी कि आपकी अर्धांगनी यानी कि आपका जीवन साथी। दोस्तों, ये जो अर्धांगनी, जीवन साथी, जो पत्नी है, ये मैं आपको बता दूं, संसार के अंदर इससे बड़ा कोई दोस्त नहीं, इससे बड़ा कोई हितैषी नहीं, इससे ज्यादा आपको कोई जानने वाला नहीं, जो आपके मन को, फीलिंग्स को, आपके माइंड को जो जाने। एक है जो सही कहते हैं लोग कि माँ जानती है, पर एक बात बता दूं, माँ भी आपको जान सकती है।
आपको देख सकती है, आपके बाहरी चीज को देख सकती है, लेकिन आपके अंदर तो वो पत्नी है जो बाहर भी देख सकती है, आपके अंदर भी देख सकती है क्या चल रहा है, आपको समझ सकती है, क्योंकि वो ही एक ऐसी है जो आपके अंदर भी है और आपके बाहर भी है। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है दोस्तों कि यार हम जो मर्द लोग हैं भटकते जो रहते हैं, हम तजब्बो नहीं देते यार। हम जो सबसे बड़ा हमारा जो हथियार है जीने का, खुश रहने का, मस्त रहने का, स्वस्थ रहने का और आबाद रहने का, वो हथियार को हम साथ में नहीं रखते यार, गुल्लक में बंद करके रखते हैं यार। कोई देख ना ले बंद हो जा, कोई जान ना ले बंद हो जा। और बहुत से लोगों को तो यार कुछ शर्म भी आती है, मैं देखता हूँ उसी रास्ते पे चलते हैं, अभी भी वही पुराना विचार है कि यार बीवी जा रही है 15 फुट बैक में और मर्द जा रहा है 15 फुट आगे, बराबर चलने में भी शर्म आती है। जबकि क्या सत्य नहीं है, क्या बराबर चलने के लिए हाथ नहीं मिलाया था, पकड़ा नहीं था जिस वक्त फेरे पड़ रहे थे? अब सोच के देखो, जब फेरे पड़ रहे थे तो जो हाथ पकड़ा हुआ था वो कितना डिस्टेंस में था, बराबर में था ना, तो फिर यार इतनी दूरियां क्यों? तो रियलिटी में अगर आप महसूस करोगे ना, तो यही एक ऐसा व्यक्ति है, जीव है, जो आपकी हरेक समस्याओं को जानता है और समझता है बखूबी तौर से। शेर जंगल का राजा होता है ना, होता है, सब जानते हैं शेर जंगल का राजा, और उसके पीछे का हिस्सा जानते हैं? वो राजा को जब खाना खाना होता है ना, तो वो शेरनियां ही होती हैं भाई, जो शिकार को ला करके मार के ला करके देती हैं और वो खाता है। भोकट का राजा है, अगर देखी जाए ना तो महिला, फीमेल संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है, अगर विश्वास करो इन पर तो विश्वास ही नहीं है, आदमी को विश्वास ही नहीं है, घर के अंदर बंद है भाई, साथ में ही नहीं है। जब आपकी अर्धांगिनी बंद है, आप उससे बैठते नहीं हो, आप उससे बात नहीं करते हो, ठीक है एक फॉर्मेलिटी की तरह आ रहा है कि हाँ मेरी बीवी है, ठीक है जाऊंगा बैठूंगा थोड़ा बहुत, लेकिन अक्सर कर देखो ना, बता दो ऐसी बात, सत्य कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ, कितना वक्त दे तो बाहर के लिए ज्यादा वक्त, पर वहां के लिए वक्त नहीं, आपका वेट करती रहती, आएंगे दो बात करेंगे। अगर आप उसके साथ में बैठोगे, दो घड़ी बात करोगे, हंसोगे, तो सत्य बता रहा हूं आपकी सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी दोस्तों, खुशियां ही खुशियां होंगी, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है भाई साहब, जब ये प्रैक्टिकल कह रहा हूं, जब आप उस पर विश्वास करोगे, आप उससे अटूट प्रेम करोगे और आप उसके साथ रहोगे, आप उसका हाथ थाम लोगे ना, तो मैं एक अटूट सत्य बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, वो हाथ जब ऐसे उसका हाथ पकड़ोगे ना, तो आपकी सारी समस्याओं को, सारी तकलीफों को वो अंदर आपके जरिए से, हाथ के जरिए से, आंखों के जरिए से, बॉडी के जरिए से वो अपने भीतर ले लेती है, स्वयं में ले लेती है दोस्तों। ये सत्य है, सत्य है और सत्य है, और आपको हर परेशानी से, हर कलेश से, हर चीज से मुक्त कर देती है। समस्या ही यही है बस कि हम ऐसा ही नहीं करते यार, करके देखो एक बार, एक बार एक नियम बना लो, रोज जाओ
ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस से आने के बाद सब मोबाइल मोबाइल ताक में रख दो, पत्नी के पास बैठो एज ए फ्रेंड, फिर देखो, फिर गप्पे लड़ाओ यार, फिर तालियां बजाओ, अरे है, अरे यार ये, अरे यार वो, अरे यार वो, अरे यार वो। साला बाहर वाले की तारीफ करते हैं तो घास नहीं डालती है, कभी अपनी की बैठ करके आधा घंटा तारीफ कर दोगे ना भाई साहब, रात को 12 बजे बज के, अरे उठो जी क्या खाओगे, चाय बना दो आपके लिए, सोच करके देखना, प्रैक्टिकली करके देखना। मैं कर चुका, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं देखता हूँ। आप इतना सा करोगे वो इतना चलेगा, भगवान ने भी जोड़ा जो बनाया ना बड़ा सोच समझ के बनाया भाई साहब, जोड़ा शब्द। तो ये रियल में बहुत बड़ी शक्ति है भाई साहब, आप ये जानते हो, अगर घर में से ये चली जाए ना भाई साहब, सब खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, पैसा कमा सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, यही लक्ष्मी है माया, जिससे आप और हम और दुनिया जहान मर्द शौक करते हैं। ये है तो लक्ष्मी, और यही लक्ष्मी है, यही सरस्वती है जी, पानी ज्ञान का भंडार, हम लोग देख नहीं पाते, यही अन्नपूर्णा है, जिस घर में विराज जाए वह अन्न की कोई कमी नहीं होती, कभी दरिद्रता नहीं आती। तो ये सब कब आती है, ये जब आती है जब आप इसको कोई वैल्यू नहीं देते, इसका अनादर करते हैं। अरे अनादर तो दूर की बात है, इज्जत हल्की फुल्की प्यार इसको समय नहीं देते हैं। मंदिर पे चले जाएंगे हाथ जोड़ने के लिए, मस्जिद पे चले जाएंगे, दरगाह पे चले जाएंगे, लेकिन असली मंदिर पे नहीं जाएंगे, ना असली मंदिर पे असली ईश्वर के साथ बैठेंगे। सोच करके देखो यार, आप में कोई रूप दिखाई नहीं देता, आप एक स्त्री को उठा के देख लो कितने रूप दिखाई देते हैं, नहीं देते, देखो सुबह उठती है, खाना खिलाती है, माँ का रूप दिखाई नहीं देता आपको, समय समय पर समझाती है, डांटती है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, आपको माँ का रूप दिखाई नहीं देता, आपकी चिंताएं करती है, पग पग पर बहन का रूप दिखाई नहीं देता, बहन बहुत ज्यादा चिंता करती है भाई की, बहुत ज्यादा, माँ से भी ज्यादा, आपकी चिंता करती है, बहन का रूप दिखाई नहीं देता। आपके साथ में सुख और दुख सबको बैठ करके बांटती है, सुख में साथ रहती है, दुख में साथ रहती है, आपका मित्र नहीं है क्या, मित्र वही तो जो सुख में और दुख में सम, आपकी बात को समझे, आपको समझे, तो क्या मित्र का रूप दिखाई नहीं देता। आपके साथ में रात्रि को आपके बिस्तर पर आपको शारीरिक सुख देती है, बहुत ज्यादा स्नेह और प्रेम से भर देती है, इतने प्रेम से भर देती कि सुबह तुम तरोताजा होकर उठते हो, हाँ मस्त यार, ये क्या करते हो, मस्त। तो पत्नी का रूप नहीं है क्या, तो सोच करके देखो एक में कितने रूप हो गए, सोच करके देखो, माँ का रूप, बहन का रूप, दोस्त का रूप, पत्नी का रूप,
कितने सारे रूप हो गए। तो यार इतने जब एक में रूप है कहाँ भटक रहे हैं भाई, सीधा मुकाम पर आ जाओ, ये रियल है। अगर मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, आबाद रहना है, तो भाइयों इधर और उधर ना, सिर्फ इधर जो घर में है जाइए, प्यार से दिल खोल करके बात करिए, पूरा दिल निकाल के रख दीजिए, दो समस्याएं वो निकाल के रख दीजिए, कभी करके देखना। वैसे मैं कहता हूं अक्सर कर, 90% 95% लोग ऐसा नहीं करते हैं भाई साहब। जितना बाहर दिल खोल करके बात करते हैं, जितना मर्द एक मर्द से बात करता है, कभी औरत से बात नहीं करता, तुच्छ समझता है यार औरत है। अरे औरत नहीं है भाई साहब, अपनी पे आ जाए ना तो दुनिया नाश करने में सेकंड नहीं लगती, इतनी बड़ी चीज है कोई नहीं रोकता, पूरी धरती नाश कर दी कई बार, एक बार नहीं कई बार, तर्राते हैं सारे देवता आगे और पीछे हो जाते हैं। इसीलिए आप उनसे भी नहीं सीख लेते कि देखो विष्णु को देखो, ब्रह्मा को देखो, महेश को देखो, कितना पूजते हैं उनको, कितना प्यार करते हैं, कितना साथ में रहते हैं। क्या आप रहते हो ना? ना ना, इसलिए साथ रहिए, प्यार करिए, और जितनी बातें हो अच्छी बुरी, दुख पीड़ा सुख, सब लेकर के खोल करके उड़ेल दीजिए, देख लेना दुनिया बदल जाएगी यार, दुनिया बदल जाएगी, लोगों की, समाज की, दुनिया की परवाह मत करिए, अगर करोगे तो मरिए। यही दुख हरता, सही समस्याओं का समाधान है, यही आपका जीवन है और यही आपका अंत भी है, यही वो है जो आपको वहां पहुंचाएगी, यही वो है जो आपको गिरा के जमीन पे धरती, यही वो है जो आपको पैसों से ऐश कराएगी, यही वो है कि आपको दरिद्रता ला करके भाई दे 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 दे, ये है तो आप हैं, ये नहीं तो आप नहीं। ये घमंड छोड़िए भाई, सच में सत्य कह रहा हूं, ऐसा करके देखिए, मेरी बात बुरी लगे तो भाइयों जिनको बुरी लगे माफी चाहूंगा, पर मैं जो कह रहा हूं ना, मैं यार कोई पढ़ करके नहीं बोल रहा हूँ, किताब कॉपी और ये वो, मैं जो बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली लाइफ में जीवन को देख करके फिर बोल रहा हूँ। मेरा जीवन हो सकता हो आप लोगों से बहुत ज्यादा खराब रहा है यार, बहुत ज्यादा समस्याओं से घिरा हुआ है, आज भी घिरा है, फिर भी मैं मस्त हूँ, नो टेंशन, इन्हीं की वजह से मर गया होता कब का यार। तो बस लास्ट में इतना ही, जाइए तुरंत बाहर को छोड़िए, अंदर आइए, अपनी पत्नी को, यार दोस्त, दुनिया, जहान, भगवान, ईश्वर, सब कुछ समझ करके, सारी सुख, सारा प्रेम, सारा चीज उड़ेल दीजिए भाई साहब। ये समझ लो कि जब प्रेम सत्य होता है ना, जब आप विश्वास इन पे करोगे ना, आपसे चार गुना ज्यादा ताकत से ये आपकी सारी समस्याओं को हरेगी भाई साहब, आप उसको आंखों से देख भी लोगे। तो दोस्तों बस आज का टॉपिक इतना था, वो लंबा हो गया यार, तो सभी से ही कहूंगा यार वास्तव में प्रसन्न रहना है, घर में रहो, साथ में रहो, मस्त रहो,
घूमो फिरो जाओ इधर उधर, कुछ नहीं रखा यारो, दुनिया रंगीन है पर बड़ी गमगीन है। इसलिए एक ही साथी वो है जीवन साथी, वही आपकी अर्धांगिनी है, वो आपकी पत्नी है, जिसको सब कुछ मान लीजिए और मस्त रहिए यार। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, फिर आपको कोई एक नई चीज बताऊंगा। फिलहाल इतना ही, सबको जय श्री राम, मेरा सबको प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तो भैया राधे राधे।